दोस्तों, अगर आपके पास में पैसा है, अगर आपको कोई भी बिजनेस पहले से आप कर रहे हैं या आपका जो है बैंकिंग टर्नओवर अच्छा है, तो बैंकें खुद आपको जो है यहां पर लोन के लिए ऑफर करती है। अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड का बिल समय से पे कर रहे हैं, अगर आपने जो है कोई लोन लिया था उसकी ईएमआई आप जो है समय से चुका रहे हैं, या आपका जो है बैंकिंग लेन देन काफी अच्छा है, तो यहाँ पर बैंक जो है खुद से ही आपको जो है लोन के लिए ऑफर करती है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि HDFC बैंक ने यहाँ पर जो है 50,000 रुपए का इंस्टेंटली लोन के लिए यहाँ पर मुझे ऑफर किया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं या आपका कोई छोटा मोटा कारोबार है, आप उसको बढ़ाने की सोच रहे हैं, और अगर आपको वहां पर जो है 2-3 लाख रुपए का अगर लोन चाहिए, तो फिर आप जो है क्या करेंगे? फिर आपको जो है कोई प्राइवेट कंपनी तो यहाँ पर लोन के लिए ऑफर करेगी नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम को चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री EGP योजना, जिसमें कि ऐसे जितने भी सारे उद्यमी हैं जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे जितने भी सारे उद्यमी हैं जो कि अपना एक बिजनेस या अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन सभी को जो है गवर्नमेंट यहाँ पर जो है लोन प्रोवाइड करती है, और काफी सस्ता इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड के लिए आप जो है कम EMI में। दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके पास में इतनी ज्यादा इनकम नहीं होगी कि आप जो है 10,000 महीने का EMI दे सके, या आप जो है 20,000 रुपए महीने का EMI दे सके, ठीक है ना? तो ऐसे में जो है आपको चाहिए कम EMI वाला लोन, जिसमें कि आपको जो है बर्डन भी ना पड़े मंथली पे करने में, जिसमें कि आपको 5,000-4,000 इस तरह की EMI यहां पर बनाई जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री EGP योजना का जो लोन है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाना है, उसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। कैसे आपको यहां पर अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है, कैसे आपको लोन के लिए एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन करते टाइम आपको यहां पर जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज लगेंगे, एप्लीकेशन करने का प्रोसेस क्या रहेगा, और एप्लीकेशन करने के बाद पैसा आपको जो है कब आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा, कितना आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑफ रेट लगेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में इस वाली वेबसाइट को ओपन करना होगा, jansamarth.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके भी आप जो है डायरेक्टली इस वाले पोर्टल पे आ सकते हो। अब दोस्तों, जब आप इस वाले पोर्टल पर आ जाओगे तो यहां पर आपको जो है इस तरह का इंटरफेस पेज देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी सारे लोन चलाए जाते हैं वो यहीं से अभी जो है रन किए जा रहे हैं, इसी वाले पोर्टल से जो है 2024 में सारे लोन जो है गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किए जा रहे हैं, और उन लोन में आप जो है यहीं से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आ जाने के बाद अगर आपको जो है PM EGP योजना के अंतर्गत लोन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन पे चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा आपके बिजनेस का प्रकार। तो दोस्तों, अगर आप चाहे बिजनेस करते हैं या आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, दोनों कंडीशन में यहां पर आपको जो है अपने बिजनेस का प्रकार सेलेक्ट करना होगा। तो ऊपर के 3 काइंड आपको यहां पर बताए गए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक प्रकार है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप जो है अदर बिजनेस को आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जब आप यहां पर अदर बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपसे जो है बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो आपको यहां पर प्रोवाइड करानी है कि आपका जो बिजनेस है एकदम नया है या आप पहले से बिजनेस करते हैं। नया है तो न्यू करेंगे, पहले से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग वाले बटन पे टिक मार्क करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप 8वीं पास है, आप जो इसको यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपने EDP का ट्रेनिंग लिया है, आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आप जो है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका बिजनेस जो है खरीदो बेचो, मतलब कोई भी चीज लाकर आप खरीद कर लाते हैं और उसको आप जो है ज्यादा रेट पर बेचते हैं, तो उस कंडीशन में आप बिजनेस एंड सर्विस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है ट्रेडिंग का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे मेल फीमेल, कैटेगरी आपका यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे ST SC OBC। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा फिजिकल हैंडीकैप है, यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इनमें से किसी स्टेट में अगर आप रहने वाले हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आपका जो लोकेशन है रूरल लोकेशन है अर्बन लोकेशन है, यहां पर आपको सिलेक्ट एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी। तो आपको यहां पर अगर आप सिंगल हैं, आप अकेले बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या अकेले आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो बिजनेस है उसमें कितनी लागत आपको लगने वाली है, जैसे कि मान लीजिए आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें आपको 7 लाख रुपए आपको लगने वाले हैं, उनमें से आपके पास में कितना पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मान लीजिए आपके पास में 3 लाख रुपया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट फिल कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको जो है चेक करके बता रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम भी हो सकता है। मान लीजिए
लीजिए कि आपके पास 80,000 रुपए हैं, तो फिर तो यहाँ पर आपको जो है फिलअप आपके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर आपको जो है आपके लोन का रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 7 लाख रुपए का है, हमारे पास में 3 लाख रुपए तो है, तो यहाँ पर आपका जो लोन अमाउंट निकल कर आता है 4 लाख रुपए का। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितनी भी सारी लोन स्कीम रहेगी वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है पहली स्कीम जो देखने के लिए मिल रही है पीएम मुद्रा योजना की। अब पीएम मुद्रा योजना पर मैंने आप अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके रिसेंटली वीडियो में देख सकते हैं पीएम मुद्रा योजना पर, उसमें आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम ईजीपी योजना के बारे में, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस लोन की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको जो है सब्सिडी मिलती है 35% की। जी हाँ दोस्तों, 35% की सब्सिडी, ईएमआई भी आपका यहाँ पर कम आता है, टेन्योर आपको बहुत लंबा समय पे करने के लिए मिल जाता है लोन को, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट भी आपको यहाँ पर कम मिलता है, 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट आपको गवर्नमेंट यहाँ पर देती है। तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए का लोन अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आपको जो है 1,75,000 रुपए का जो सब्सिडी अमाउंट है ये आपको पे नहीं करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है ईएमआई भी कम आती है। जैसे कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मुद्रा योजना में 8,500 रुपए के आसपास ईएमआई आएगी, लेकिन वही ईएमआई यहाँ पर जो है 4,000 रुपए महीने हो जाती है, जो कि स्टार्टिंग में कोई भी बंदा है अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो 8,500 रुपए 9,000 रुपए एक साथ पे नहीं कर सकता, उन सभी के लिए ये किफायती है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका टेन्योर 15 साल का है, जिसमें कि अगर आप जो है इसी ईएमआई को 15 साल तक पे करेंगे तो आपका अमाउंट तो बढ़ जाएगा, ये चीज मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपका जो टेन्योर है आप उसको यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप 10 साल का भी रख सकते हैं, 5 साल का भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम टेन्योर बताया गया है कि आप मैक्सिमम 15 साल तक ये टेन्योर चला सकते हैं, ये आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको जो इस वाले लोन को लेना है, कितना चलाना है, कितना टेन्योर रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना कम टेन्योर आप रखेंगे उतना कम ब्याज आपको यहाँ पर देना होगा और उतना ही आपको जो इस वाली सब्सिडी का बेनिफिट भी मिलेगा। तो अभी अगर आप जो इस लोन को लेना चाहते हैं तो सिंपली लॉग इन टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, इस वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, टर्म को एग्री करना है। तो यहाँ पर आपके सामने प्राइवेसी एंड पॉलिसी का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको रीड डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे आप सबसे नीचे आ जाएंगे आपका नेक्स्ट का बटन एक्टिव हो जाएगा, आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। टर्म कंडीशन का ऑप्शन अब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, आपको इसको भी रीड डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लेमर आ जाता है, तो इसको भी आप जो स्क्रॉल डाउन करके इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे, टर्म को एग्री करेंगे एंड एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अभी जैसे आप एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी भेजने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर इन बॉक्सेस के अंदर इंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भी कहा जाएगा, आप उसको जो है सिंपली स्किप कर देंगे। तो आपके सामने अब इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो है दोनों स्कीम एक बार फिर से बताई जाएगी। अब आपको जिस किसी भी स्कीम में लोन के लिए एप्लीकेशन करना है उस वाले ऑप्शन पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत आपको जो है प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का एक बार फॉर्म का रिव्यू आएगा, आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्मेशन आ जाएगा, आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस वाले पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी योजना। अब दोस्तों यहां पर आ जाने के बाद आपको जो इस तरह का इंटरफेस पेज देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने जो है अपने लोन के एलिजिबिलिटी को चेक कर लिया है, कितना लोन हमको चाहिए वो सारी चीजें हमने यहां पर फिलअप कर दी है। अब यहां पर आ जाने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट इस वाले ऑप्शन पे अप्लाई का बटन मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अब आपको जितनी भी सारी आपकी पर्सनल डिटेल है, जैसे कि आपके आधार कार्ड की डिटेल है, आपकी बैंकिंग डिटेल है, आपकी जो भी एड्रेस डिटेल है, वो यहां पर आपको जो है फिलअप करनी होगी इस वाले फॉर्म में। तो आपको कैसे फिल करना है चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो है कैंडिडेट का आधार नंबर एंटर करना है इनबॉक्सेस में। अब दोस्तों यहां पर आपको बताया गया है एक नंबर पर जैसे आधार नंबर को एंटर करना है, तो यहां पर आप साइट में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको जो है उसके बारे में आवेदन का जो दिशा निर्देश है कि कौन से ऑप्शन में आपको कौन सी चीज को फिल करना है वो आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर आप नंबर वाइज जैसे एक नंबर में क्या फिल करना है, दो नंबर में क्या फिल करना है, तीन नंबर में क्या फिल करना है, सारी चीज आप यहां से देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो यहाँ पर आपको जो है एक नंबर में कैंडिडेट का आधार नंबर फिल करना है, दो नंबर आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, तीन नंबर में आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पॉन्सर एजेंसी, तो यहाँ पर आपको जो है अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप जो है KVIC KVIB आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर जो है DIC को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्शन कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, भारत के किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है, तो यहाँ पर आपका जो भी प्रायोजक एजेंसी है आपके डिस्ट्रिक्ट में वो आपको उसका एड्रेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको सिंपली इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जो कानूनी प्रकार इंडिविजुअल सिलेक्टेड रहेगा, जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, एज ऑटोमेटिक आ जाएगा। सोशल कैटेगरी आपका क्या है, ST SC OBC वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई विशेष श्रेणी है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। योग्यता आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, 10वीं कम से कम 8वीं पास आप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कम्युनिकेशन है तो आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा सिलेक्टेड, ठीक है ना। यहाँ पर आपके एरिया का पोस्टल पिन कोड इंटर कर देना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है, पेन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में है रूरल सेलेक्ट करेंगे, अर्बन क्षेत्र में आप जो है अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो इकाई का पता है जहाँ पर आपकी यूनिट संचालित है वो पता आपको बता देना है। अगर सेम आपका होम एड्रेस ही है तो आप कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। पता आप यहाँ पर जो है मैनुअली भी फिल कर सकते हैं अगर आपका जो है बिजनेस का एड्रेस दूसरा है तो। उसके बाद आपको जो है एरिया का पोस्टल पिन कोड इंटर कर देना है। उसके बाद गतिविधि का प्रकार, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको तीन काइंड मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो जो भी आपका बिजनेस है आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जो एक समझने वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको जो है PM EGP योजना में 50 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस में यहाँ पर आपको जो भी सर्विस वाला बिजनेस है इसमें आपको गवर्नमेंट 20 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करती है, और ट्रेडिंग वाला अगर आपका बिजनेस है तो उसमें गवर्नमेंट आपको जो है मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है। अभी आपको यहाँ पर जो है एक्टिविटी को या जो सिलेक्ट इंडस्ट्री है उसको भी सिलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो प्रकार है बिजनेस का वो कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको नंबर वाइज भी आप जो इसको POT कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका शॉप है तो आप यहाँ पर लिखेंगे शॉप, तो यहाँ पर कितने प्रकार के शॉप हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपका कपड़े का दुकान है, किराना का दुकान है, स्टेशनरी का शॉप है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बाइसिकल रिपेयरिंग का शॉप है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका किराना स्टेशनरी का शॉप है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एक्टिविटी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। आप इस तरह से अपना जो भी शॉप है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है उत्पादक कितना है वो उसका विवरण अगर आप देना चाहें तो दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर सिंपली 0 टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर EDP का प्रशिक्षण आपने लिया है नहीं लिया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर EDP का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो कहाँ से लिया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बताना होगा कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको कितना पूंजी लगने वाला है। यहाँ पर आपने जो अपने बिजनेस में जितना भी खर्च किया है वो आपको यहाँ पर जो है बता देना है। वर्किंग कैपिटल मतलब आपके पास में कितना कच्चा माल पड़ा हुआ है या कितना माल आप ऐसा है जिसको कि बेच सकते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो कुल योग यहाँ पर आ जाएगा 7 लाख रुपए, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर जो है अपनी बैंक का विवरण देना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपनी बैंक का नाम, तो जो भी आपका बैंक है उसको आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर बैंक का FSC कोड डालेंगे, सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे, बैंक की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर बैंक का एड्रेस, बैंक की शाखा और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो भी कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट फाइनेंस बैंक, अगर कोई दूसरा भी आपका फाइनेंस बैंक है, एक से अधिक बैंकों में आपका अकाउंट है, तो वो बैंक भी आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है GST का लाभ उठाना है, आप इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है PM EGP के बारे में कहाँ से पता चला बता देना है, आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से PM EGP में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है इंटरनेट एडवाइजरी या एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म को एग्री करना है, सेव एप्लीकेशन डाटा वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर कि आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, आधार कार्ड को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, इसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। EDP की ट्रेनिंग का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप अपलोड करेंगे, अदरवाइज आप इसको भी छोड़ सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का काम यहाँ पर हो जाता है तो
आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके या स्क्रीनशॉट लेके आपके पास में रख लेना है। यहाँ पर आपको जो बताया गया है फाइनल सबमिशन सम ऑफ एप्लीकेशन द स्पॉन्सर एजेंसी, आपका जो एप्लीकेशन है वो स्पॉन्सर एजेंसी को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब आगे की जो इंक्वायरी है पीएम ईजीपी ऑफिस में आपका जो मोबाइल नंबर है वहां से आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब आपका जो एप्लीकेशन है जो भी आपका नियरेस्ट बैंक ब्रांच है वहां पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बैंक ब्रांच से आपको जो है कॉल करके बुलाया जाएगा केवाईसी के लिए, जहां पर कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैन्युअली लेकर जाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है क्रॉस चेक करने के बाद में फिर बैंक जो है आपके लोन पर अप्रूवल का काम करेगी, और फिर आपका जो लोन का अप्रूवल है कितना आपको लोन प्रोवाइड किया जाना है कितना नहीं किया जाना है वो सारी जो फॉर्मेलिटीज है बैंक के द्वारा की जाती है, कितनी उसकी ईएमआई किस तरह से पे करना है वो सारी इंक्वायरी आपको जो है बैंक में केवाईसी के दौरान करवानी होगी।